Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, जो कि मैंने start किया था M3 के previous year questions का एक series, तो इसका already मैं first video discuss कर चुका हूँ. और उस video में मैंने दो questions ऐसे discuss किए थे जो कि 2 marks में exam में पूछे जाते हैं. तो अगर आपने उस video को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन उस videos को देख लें. और कुछ और ऐसे videos हैं M3 के ऊपर जिनको मैंने अभी हाल फिलहाल discuss किया है. M3 के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या फिर M3 के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप जाकर वहाँ पे एक बार जाकर आप चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन प्लेलिस्ट को चेक कर लें जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स अपलोडेड है. सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लेरिट इक्वेशन क्या होता है और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्लेरिट इक्वेशन को कैसे लिखना है. ये एक यूनिट 3 का टॉपिक है. सो सिंपली क्लेरिट इक्वेशन कुछ नहीं होता है, एक इक्वेशन होता है. इक्वेशन क्या होता है? y is equal to p into x plus function of p. इसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्लेरिट इक्वेशन. क्लियर है? और इसमें जो ये f function of p होता है, ये function of p है, ये neither x को और ना ही y को explicitly contain करना चाहिए. क्लियर है guys? तो ये जो function of p है, ये x और y को explicitly contain नहीं करना चाहिए, तभी हम इस types के equation को क्या बोल सकते हैं? Clarity equation. या फिर आप simply लिख सकते हैं कि the equation of this form y is equal to px plus function of p is known as clarity equation. और यहाँ पे जो p होता है, इस p को हम, ये जो simple p है, इसको हम बोलते हैं p is equal to dy upon dx. क्लियर है? ये तो गया इसका डेफिनेशन. बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्लेरिट इक्वेशन. क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्लेरिट इक्वेशन. ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है. तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्लेरिट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इसको हम, अब यहाँ पे क्या है, y है, आपको y दिख रहा होगा. तो जब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सॉल्वेबल फॉर y, जिसका वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर उसको देख सकते हैं एक बार. तो उसमें क्या करते थे, ये y को एक साइड करते थे, बाकी चीज को एक साइड करते थे, और फिर उस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे. सेम चीज यहाँ पे करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पी एक्स है तो पहले एक को कॉमन रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा कॉमन पहले का डिफरेंशिएशन. तो पहले हम x का डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का 1 होता है तो यहाँ पे p as it is, प्लस अब p का डिफरेंशिएशन तो x as it is, तो क्या हो जाएगा, x dp upon dx, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इस फंक्शन का, फिर इस फंक्शन के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा, f dash p dp upon dx. क्लियर गाइज? ये आ गया जब हमने ऊपर वाले इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया. क्लियर है? और यहाँ पे जो p है वो क्या है, dy अपॉन dx. तो हमने यहाँ पे क्या किया, dy अपॉन dx को p से रिप्लेस कर दिया. मींस क्या, हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कि dy अपॉन dx, ये जो dy अपॉन dx है ये रिप्लेस हो गया किससे, p से, जो कि हम सॉल्यूबल फॉर y या फिर सॉल्यूबल फॉर x में भी करते थे. तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू p प्लस x dp अपॉन dx प्लस फंक्शन ऑफ p dp अपॉन dx. अब यहां से ये और ये p कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ p dp अपॉन dx प्लस x dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0. क्लियर गाइस? अब यहां से क्या है, dp अपॉन dx कॉमन आ रहा है, यहां भी dp अपॉन dx है, यहां भी dp अपॉन dx है, तो ये कैसा बन, ये कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, dp अपॉन dx, और यहाँ पे क्या है, x प्लस, ये क्या है, फंक्शन ऑफ p, x प्लस f डैश ऑफ p इज इक्वल टू 0. अब आपने जब सॉल्व किया होगा फंक्शन ऑफ p या फिर फंक्शन ऑफ x क्वेश्चन, तो जहां पे जिस भी टर्म में dp नहीं होता है, मींस जैसे कि एंड में पर ऐसा कुछ बचता है, एक दो टर्म ब्रैकेट में रहेगा, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, जिसमें dp अपॉन dx नहीं होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और जिसमें dp ओवर dx होता है उस टर्म को लेकर हम आगे चलते हैं. तो इस सिर्फ यही dp ओवर dx है, तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0. क्लियर है गाइस? और यहां पे अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको, dp अपॉन dx ये आ गया, अब हम इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dp का हो जाएगा p इज इक्वल टू c. क्लियर है गाइस?
अब p इज इक्वल टू सी आ गया क्योंकि हम इंटीग्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे, अगर हम साइन एक्स को या फिर किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, साइन एक्स प्लस सी, जो भी आंसर आता है उसमें हम प्लस सी करके लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कि dp / dx को हमने अब यहाँ पे रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू सी, एक सी एड हो गया क्योंकि दूसरे साइड कॉन्स्टेंट है, जीरो है, तो उसका इंटीग्रेशन कुछ होगा नहीं, तो वहां पे क्या एड हो गया, सी कॉन्स्टेंट एक ऐड हो गया, और सी यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सी इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, क्लियर गाइस। अब इसमें सी एड हो गया है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम पी इक्वल टू सी आ गया, फिर जो हमारा मेन इक्वेशन था वो क्या था, ये वाला ये इक्वेशन था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हमने वन मान लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन अभी फाइंड किया है, पी की जगह सी को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी, और ये क्या है, क्लेरेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्या हो गया, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। सो गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको क्लेरेट इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाए तो क्लेरेट इक्वेशन के जो को कैसे हमें डिफाइन करना है पहले, फिर कैसे हम उसके जो इक्वेशन होगा उसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि सी आता है, और फिर उसको हमें जो मेन इक्वेशन है उसमें रिप्लेस कर देना है। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज आज की वीडियो में मैं ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं M3 के, और डेफिनेटली आपको उन क्वेश्चंस को देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और कैसे हम क्वेश्चंस को सोच सकते हैं कि इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे। ये जो आने वाले वीडियोस है उसमें डिस्कस करूंगा यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चंस, सीएफपीआई कैसे फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, अगर नॉन एग्जैक्ट है उसको कैसे एग्जैक्ट में चेंज करेंगे, तो ये सब में थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है, तो वो सब क्वेश्चंस को मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो गाइस कोई भी डाउट क्वेरी हो तो क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन हो वो भी बता सकते हैं, कुछ ना समझ में आया वो भी बता सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम लगा वीडियो में वो भी बता सकते हैं, कोई पॉजिटिव रिव्यू हो वो भी बता सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें सो दैट कि वो भी अपने एग्जाम से पहले पहले वीडियोज़ को देख पाए, एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।